एगो छोटा सा प्रसंग सुनाई काहे के एक हाथी हम निकाइला जा ना अब तइने निकू का करी हे ना करी हउ जानो लेकिन हमारे जोन फर्ज बा तोन हम करब तनी मनी में ज्यादा काहे के देखी पुरनिया हमनी के जीव कुछ में माचत नहीं खे ना अगर प्रसंग नहीं खिजेगा वो काका हां तो पुरनिया खिसिया जाता रे हां चलो हो चलो हो फूल हल्ला उंडा छंडा ब्यास हो जाता रे सही करी के कथा प्रसंग जानकारी है नहीं हां ये लगा तरह से खाली नंदी भौज जाइया गावे हां आ जहां कथा प्रसंग शुरू करतनी जा पुरनिया लोग तो ठीक रहता लेकिन नौका लइकन जब सुन ले सकी का था तो कनी के माथा में शुरू हो जाता बात अब लइकन के कथा निकला करता जहां चौपाई शुरू कइनी जा जहां चौपाई उठल उठल कि रघुकुल रीत सदा चली आई तले नायका लइका दस को खाड़ हो जाता रे धूर झाड़ के जहां सुनत रे कि रघुकुल रीत सदा चली आई नायका लइका कहत रे कि चलो बेकरा आ गई कुछ हो ना गाई मारा दुनो खतरे में रे तो हमनी के मिला जुला के बड़ी सोच समझ के काम करे के पड़ता तब वो तनी मनी में प्रसंग ले लेगो देखी हम ही प्रसंग ऐसे गावतनी कि जवना लोग के चक्कर प्रसंग गावतनी जवना लोग के ई माई गई नी वही लोग के आज जवना माई के हमनी के श्राद्ध में आई बनी जा ओ माई वही लोग के जा यही से ही प्रसंग हम गा रहल बा तो गौर करी एगो जात के भिल्ली एगो लड़की जोन जात के भिल्ली रही एक दिन अपना बाबूजी से पूछ ली कि बाबूजी ये हतना भेड़ बकरी के जुटान हो रहल बा का कोनो विशेष कारण बा उनकर बाप कहले कि बेटी दो दिन में तार बारात आवे वाला बा आई है जतना भेड़ बकरा के इकट्ठा कइल गइल बा एकरा के काट के एकर मांस के बना करके जतना बाराती लोग आई मेहमान लोग आई इतना ताई है सबके भोजन में इहे परोसल जाए लड़की जब सुनलस कि हमरा विवाह में हतना जीव की हत्या को के तब हमार विवाह हुई लड़की जान जाए कि विचार कर लेलस कि जदी हतना जीव के हत्या को के हमार विवाह हुई तई विवाह हम कबो ना करो आ देखी राते में सब लोग सुतल बा आ लड़की रात में फरार हो जाती है घर से दो दिन के बाद बारात आवे वाला बा आ लड़की रात के आधी रात में घर से भागती है लेकिन भागल तो भागे भागत भागत जहां भेड़ बकरी बांध रहले जाके टोटल भेड़ बकरी के खोल के आजाद करके आ जंगल में भगा देलो कि जा आजाद हो जालो तार लोग के जीवन मुक्त हो जाओ अब देखी लड़की तो भाग गई जब भोर होता पता चलता कि आह दादा जो बिया बारात आवे वाला बा जवना लड़की के उ लड़की के घर से फरार भैया अब देखी निकलल बा लोग घर खोजे खाती घर परिवार के लोग बढ़ गए बाबा जोड़ी जोड़ी तो का हो अरे रतिए में लड़की हो परैली तू खाड़ होके नाचत रह पुरनिया कथा सुनी है आ नायका लड़का तहरा के देख के मन रुकले रहे का कल रतिए में लड़की हो परैली ना जाने कहवा गईली रतिए में लड़की हो परैली ना जाने कहवा गईली काटल जाई बकरा बकरी कहीं बूढ़ी कहीं डंगरी लड़की भाग गई सीन देख तीन दिन ना खैली ना जाने कहवा गई बहुत लोग निकलल खोजे खोजे आ रात दिन रोजे रोजे बाकी कत ही उ लड़की ना भेटली ना जाने कहवा लड़की भागत भागत कहां गई रात भर जंगल में भागल तो भोर जब भई तो लड़की देखती है कि एगो कुटिया बा आश्रम लेखा लागता तब तक ले का देखती है कि भोर भई ब्रह्म वेला में एगो मुनि बाबा निकल ले उनका पीछे पीछे कुछ चेला लोग बा आ निकल के नदी का ओर गई लोग सोच क्रिया करे खाती लड़की तत्परता से गई आ आश्रम में झाड़ू लगा के आ पानी ले के लीप पोत के आ घैली में पानी भर के आ फिर जाके झाड़ी में लुका गई ओने से बाबा आवत रे देखत रे के री ये हमारे आश्रम में है कि दूसरा में ढूक गई बली आज के पहले ततना चुहुलगर सुंदर ना लागत रहला
ला ई कोन हमर चेला सुपातर भई कि ओइसन माने साफ सुथरा कके लिपो देले बा बाबा सोचले कि कोनो चेला कइले होई सब माइंड में ना कइले दिनचर्या बीत गेल बबुआ फिर बिहान भई लईकी भूखे पियासे होई झाड़ी में लुकाइल बिया फिर बिहान भई मुनी बाबा निकलले चेला लोग के साथे नदी कवर गइले फिर लईकी निकलल आ जान जी की सुनसान देख करके झाड़ू लगा के लिप पोत के पानी भर के आ फिर झाड़ी में ठोक गई तू सर को दिन बाबा आइले त देखल करे के रे आजो आ कोनो चेला नाम लिखले त कर मतलब ही कोनो हमरा चेला के काम ना हो ई जरूर कोई दोसर के कर रहल बा के कर रहल बा ए बात के पता लगावे के पड़ी त बाबा मन में सोचले अगले कि बतिया समझ में ना अरे ओइली हो कैसे अरे कुटिया लिपली सोचे लगले कि रह रह यह बात के जानल बहुत जरूरी बा तब बाबा अगला दिन का कइले सब लोग के साथे चेला लोग के साथे निकलले लेकिन मैं चेला लोग के नदी का ओर भेज के आई अपने जाके झाड़ी में लुका गइले कि देखी कि काम करत के बा झाड़ी में बाबा लुकाई बड़े त का देखत रे बबुआ बाबा का देखत रे के गो लईकी झाड़ी में से निकल हाली हाली बहार के पानी ले के लिप के आ गगरी में पानी भर के आ फिर जाने की ई काम करतिया बबुआ हो ला के ही हो ओ एकर मतलब ई हे ई लईकी नु काम करतिया ई हे रोज झाड़ू लगा के लीपोत के पानी भर के धरतिया अब जाने की जैसे कुल काम क के आ जाए लगली झाड़ी में लुकाए खाती तलब हो गए इधर आओ लड़की इधर आओ का हो टटपटी के बोलले बोली के हो तू के हो ऐसे का कराइल बाड़ू बोलो हम सबरी हैं ये बाबा तू सबरी हो ते ऐसे का करता रू कहली कि बाबा बाबा हमर विवाह बाबूजी ठीक कहियो रह हमरा विवाह में बहुत भेड़ बकरी के जीव हत्या होई ऐसे हम घर से भाग गइनी कि हतना जीव हत्या क के हमर विवाह होई ई हमरा उचित ना लागल बाबा कहले के री इतना कम उम्र में इतना सुंदर तहर विचार बा ओ हो ऐसे मन हमर बड़ी प्रसन्न बा आओ आओ अब तारा कहीं गइला के काम नहीं के तू यही कुटिया पर रह हमरे लग रह अब तारा के हो गइला के काम नहीं के बबुआ हो टटपटी के बोलले बोली आ सब भेद देली खोली लेकिन बाबा जब आशीर्वाद देले तब सबरी मन में हर सैली हो कैसे कुटियाली पाई अलग है आ जाने की सबरी के कुटिया में ले जाके अब भक्ति
बतावस ज्ञान देश उनका के बतावस कि ज्ञान कैसे प्राप्त होई आ मर्म जोन तत्व होला तत्व लगले समझावे आ चेलवाए ने देखो तर सकिए रे अरे ए बाबू आई अतना दिन ले बाबा दाढ़ी जोट बढ़ा के आ हमनी लगे साधु बन रहे आ एगो लड़की काइल बाबा के पोले खुल गए ई अब केनु बुझनी जा कि बाबा साधु नाए दादा ई तो साधु हमनी के बोहरी पढ़ावता है लड़किया के भीतरी ढुका के पढ़ावता बाबा बहुत खतरनाक बा ना 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 अबे बाबा के लगे हमनी के ना रह जा अबे कुटिया पर भजन ना ए कुटिया पर तो बाबा गजन करे लागल ओ बजानी की चेला विरोध करे लगले सब आ जानी की विरोध क के कुटिया छोड़ देले सब ऐ जे ठाकुर जी के ठाट लागल बबुआ त गई तरी घूमी घूमी के गई है सगर का ना हो अरे कुटिया में जाना ना काहे के बगेन कहे बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार हमारा वीरेंद्र भाई विजेंद्र भाई बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार देले हई हमारा विमलेश जी के जीजा जी बानी बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार देनी है कथा प्रसंग पर बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार आशीर्वाद के चाहना कर दल जा और सब के प्रेम व्यवहार सही बन रहो ई हम के कामना करब जा दे दो आओ भाई हमारा हरकेन जी ठीक ठीक के माध्यम से दो बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार स्नेह प्रेम आशीर्वाद बन रहो अब गुरु के हम आशीर्वाद ना देबी तो बड़ भैयानी हो गई ऐसा भी इनका आशीर्वाद हम ना दे छह महीने में बढ़ देता रे डॉक्टर राम बाबू जी कुसुमा के धरती से बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन नमस्कार जय जयकार बा अब चेलवा बाबा के शिकायत करो आश्रम छोड़ देले सो आ का कहत रे सो कहत रे सो कि अतना ऊंचा चढ़ के देखो हाय 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 अरे अतना ऊपर चढ़ के देखो अरे बाबा फानल खाला मालवाला ए दादा आ पर ले लईकी के का सब के देखा के फल फूल खा ले अरे सब के देखा के फल फूल खा ले आ भीतरे गरम मसाला मालवाला ए दादा आ पर ले लईकी के चल गए आश्रम छोड़ के बहुत दूर जंगल में गई लोग प्यास लागल जो तो जाने के एगो सरोवर लौकल तालाब तो गई लोग की तालाब में जाके पानी पी देखी सत्य सत्य होला बाबा के मन में पाप ना रहू बाबा कौन हले बाबा मतंग बाबा रहले मतंग ऋषि जननी बहुत सिद्ध महात्मा रहले मतंग ऋषि के आश्रम रहे जहां सबरी गईली आ चेला गईले सब पोखरा में से पानी पिए तो गुरु के शिकायत कइले रहे लोग नु जल उठाओ लोग अंजुरिया में आ मुहावा का लगे ले आओ लोग पिए खाती तले भर अंजुरिए पिलुआ हो जाए जलवा कीड़ा हो जाए फेंक देवे लोग फिर तो सब जल उठाओ लोग मुंह लगे ले आओ लोग कीड़ा हो जाए बबुआ एकरा मतलब जान गई लो कि ओ हो गुरु जी ठीक बड़े हमनिए के मन में पाप रहल हा फिर चेला लोग आके गुरु के शरण में गिरल माफी मांगल लोग गुरुदेव क्षमा कइले समय बीते लागल बाबा के ए धरती से ए शरीर छोड़े के समय आ गई तो सबरी के बुलावले सबरी हे नहीं आवो सबरी अब हमारे इस शरीर त्यागे के समय आ गए सूक्ष्म रूप से हम ऐजा विराजमान रह लेकिन पूर्ण रूप से भगवान के लोक में हम जाए लेकिन तू ए आश्रम के छोड़ के कबो जई हम कबो मत जई हम ऐ जे रही हम एक दिन जगत के मालिक पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपना भाई लक्ष्मण के साथ है यही आश्रम पई है तारा के दर्शन दी है और तारा तार जीवन के धन्य कर दिए लेकिन ए आश्रम के छोड़ के न हो जई हो बहुत देखी कह के गुरुदेव चली गई ले विलीन हो गई ले
उनकर तेज रह गई। आई एने सबरी से ही ना कहले कि कहिया राम जी आई है, खाली ओतने कहले कि आई है, इंतजार करी हो लेकिन ई ना बतौले कि कहिया आई है। आ गुरुदेव चल गईले आ सबरी, अब रोज का करस कि सुबह जास जंगल से फुलवारी से फूल तुर के ले आवोस, जंगल से फल तुरस मीठ का जौन होके चीख के ठाण में धरोस, खटकी बहरी फेंक देस। इहे करत करत रोज समय दिन बीत जाए, रात होके फिर भोर में सोचो कि गुरुदेव कहले बड़े आज ना ओइले तो बिहान जरूर आई है। एक एक दिन करत करत समय देखी कितना बीत गई, जवन देह टाइट रहे उ देह ठेंगुरी पन्नी उड़ गई, लाठी लेके चले लगली, जवन केस करिया रहे तो उजर हो गई बात गई, जवन चाम टाइट रहे तो झूल गई सिकुड़ गई। बुढ़ारी समय आ गई, सबरी के बुढ़ापा आ गई, लेकिन फिर भी विश्वास में तनिको कमी ना आई। ओहु दिन है तो जतन कि आज ना आई तो बिहान जरूर रही है। तो होत का बाबा मास्टर पेन से बाबा बाबा डगरिया जो हत ना आए रहा, अरे डगरिया जो हत ना का तभी तो बाट अठ पहरिया राम डगरिया जो बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार। हाय 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 तनी हिला कंचन, तूरी तूरी के चीख के फाड़ में रखस भैया, तूरी तूरी के चीख के फाड़ में रखस भैया, कहो मिठकी राखस फाड़ के भीतरी समय के देखते हुए। अब देखी यह करत करत एक दिन होत का बा, जब सबरी रास्ता पर फूल बिछावत रही तले के हाली त नीचे ध्यान रहल हलू रास्ता पर, तले भगवान दोनों भाई आ करके अब ओइजे खाड़ हो जाता रे। जब सबरी देखली तो गुरुजी जौन बतौले रहले हा कि कैसन रही है, तब मिलावे लगली कि उहे हवे कि दोसर के हवे, तो देखत रही कि ना जैसे जैसे गुरुजी कहले रहले आलू ओइसने ओइसने इनका में रूम मिलता। तब अब देखी होत का बबुआ एकदम अब चटनी कवर चलते बनी है, प्रसंग लास्ट कर दनी हम तो बुझा तनी नो का बबुआ का हो तरा हनी हारत टकर बहार हरे रा हनी हारत टकर बहार, अरे भइल सुबह से सात एक दिन रे एक दिन दर्शन नदी हले हो के करा के, अरे दर्शन नदी हले हो, अरे भिलनिए के राम दर्शन नदी हले हो, एक दिन दर्शन नदी हले हो भिलनिए के राम एक दिन करके सबरी जी के दर्शन देले, उनकर झूठ भैर भगवान खैले लक्ष्मण जी ना खैले, तो कहीं विद्वान लोग कहला प्रमाण
प्रमाण मिलल कि उहे बई संजीवनी बूटी बनके उनका के जीवन देलस। आ देखी एई जे से कथा के हम एई जे रोकब, एई जे भगवान नवधा भक्ति के ज्ञान सबरी जी के देले बने। नवधा भक्ति के हे भामिनी नव भक्ति होला, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज पूजा, तीसरी भक्ति यमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करहु कपट तज गान। ये नौ भक्ति के ज्ञान भगवान उनका के देले। आ कहले कि एगो जेकरा में होला, एगो जेकरा में होला, चाचा जी का माध्यम से बाबूलाल मरांडी झारखंडी नेता जी, बहुत बहुत झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन नमस्कार, जय जयकार, आशीर्वाद के चाहना बा लीना लीना। यही मतलब खुदरा निकालत रह, हां इधर ही डारी जितना खुदरा निकालत रह ना, यो बड़का नोट बा छोटका नहीं, हां बड़का नोट बा। बहुत बहुत रुपया के पुरस्कार मिलल। हार्दिक अभिनंदन नमस्कार, जय जयकार, आशीर्वाद के चाहना बा। अब देखिए भाई का नवधा भक्ति के ज्ञान दे करके भगवान आ उनका के अपना में समाहित कर लेले। उनका से एगो तेज निकलल, उनकर शरीरिया जो रहे एगो तेज में बदल गई, आ उ तेज भगवान के चरण में समाहित हो गई। तो हम एक खातिर प्रसंग होनी हा कि जवना लोग के सबरी माई गईली यानी वैकुंठ धाम में गईली, हमारा विमलेश भाई के दादी जी वैकुंठ धाम में वास करो। स्वर्ग में हमने कह लिया कि फलना बाबू फलना माई फलना दादी स्वर्ग में जा, स्वर्ग में जाए के कामना ना करे के चाहिए, स्वर्ग में जाए के कामना ना करे के चाहिए। स्वर्ग माने स्वर्ग हो का एगो होटल, फाइव स्टार होटल जिसे हमने किया बात। तो जैसे होटल के नियम बा वैसे स्वर्ग के नियम हो। होटल में जैसे जाए तो ढूके के पहले 24 घंटा के जितना पैसा हो ही रवा पैकेट से निकाल के काउंटर पर जमा करे के पड़े। पहले ही होटल वाला बिल जमा करा ली, एक बाद 24 घंटा रहे थी। अब जैसा सुविधा रहा जो हो, एसी में जाई कि नॉन एसी में जाई, कवना में रवा रहो वो करे तो अलग अलग बा, का भोजन करो नाश्ता करो सब बेटे पर मिली सुख सुविधा मिली। आ रुपया खत्म हो जी तो होटल वाला रहे थी अरे बगली में रुपया ओरा जाओ, अरे वा चाप के हम फाइव स्टार होटल में एक दिन और रुक जाई, रुक दी ना राजू तो कलर धोली। उहे जवन जवन दरबान रवा के सलूट मारता, उहे दरबान आईया कलर पकड़ के बेगवा उठा कर रोड पर फेंक के तरह के धकिया के बोर ए वो सही स्वर्ग हो। स्वर्ग में जाई तो ये रुपया देवे के पड़ेला, वही जा रुपया ना लागे, वही जा पुण्य लागेला। पुण्य जितना सत्कर्म हमनी के करी ला जा, जितना पुण्य कमाई ला जा, उहे पुण्य वही जा देवे के पड़ेला। आ जब चकले रहवा लगे पुण्य